मिथिला दर्शन के साथ साथ संगीत का केंद्र भी सदियों से रही है। अब जो रिकॉर्ड मेरे हाथ में है वह है मिथिला के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रामेश्वर पाठक का। 1932 का रिकॉर्ड है ये। पाठक जी दरभंगा महाराज के दरबार में थे और इनकी आरंभिक संगीत की शिक्षा महाराज दरभंगा लक्ष्मीश्वर सिंह से हुई थी। इन्होंने प्रसिद्ध सितारीय उस्ताद बासित खान साहब से भी सितार सीखा था। जब बासित खान साहब वाजिद अली शाह के दरबार से निकलकर दरभंगा महाराज के दरबार में आए और फिर गया टिकारी में जाकर बस गए। कहते हैं बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने पाठक जी से पंडित रविशंकर जी को सितार के गुरु बताने का आग्रह किया था। आइए सुनते हैं हिंदुस्तान रिकॉर्ड पर पंडित रामेश्वर पाठक का बजाया राग सुनिए।